क्या किम जोंग के सिर से उतर चुका है परमाणु हथियारों का भूत? क्या वाकई किम जोंग के दिल में शांति के फूल खिल गए हैं? We are actually brothers with the same blood. क्या वाकई किम जोंग दुनिया का नया शांति दूत बन रहा है? 27 अप्रैल 2018 की तारीख न सिर्फ दो कोरियाई देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन था, जब नॉर्थ कोरिया का कोई तानाशाह अपनी दुश्मनी भुलाकर पहली बार साउथ कोरिया पहुंचा था, जिसके बाद किम जोंग उन ने शांति का संदेश भी दिया था। The North and the South took a very long time to come together once again. And we have waited for this meeting for a very long time. And we realized that we are tied with blood and we cannot be separated. And we are of the same country. 이토록 지척에 살고 있는 우리는 대결하여 싸워야 할 이민족이 아니라. And we're not the people who should be separated and giving hostile remarks, but we are actually brothers with the same blood. शांति का संदेश देने के बाद, ऐतिहासिक मुलाकात खत्म होने के बाद, किम जोंग उन अपने देश लौट चुका है। और अब एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने पूरी दुनिया को किम जोंग के प्रति अपनी राय बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि अब नॉर्थ कोरिया और कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर टेस्ट साइट को भी बंद कर देगा। मई में इंटरनेशनल मीडिया और एक्सपर्ट्स के सामने नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर साइट को नष्ट करेगा। ये वादा खुद किम जोंग उन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन से किया है। North Korean leader Kim Jong-un said during the inter-Korean summit that he would close the nuclear test site located in the northern part of the North in May. To reveal this transparently to the international community, the North said it will invite experts and journalists from South Korea and the U.S. Kim Jong-un की तरफ से साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की जिस न्यूक्लियर टेस्ट साइट को बंद करने का ऐलान किया है, उसके बारे में दुनिया को कोई खास जानकारी नहीं है। सिर्फ कुछ सैटेलाइट तस्वीरें ही सामने आ पाई हैं। उस न्यूक्लियर साइट का नाम पुंगरीला है। माना जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया की प्रमुख न्यूक्लियर टेस्ट साइट है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने 2006 से लेकर अब तक जो 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, वो सभी पुंगरीला न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर ही किए गए हैं। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि सितंबर 2017 में आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ये न्यूक्लियर साइट खराब हो चुकी है और अब इस जगह पर और ज्यादा परमाणु टेस्ट नहीं किए जा सकते। किम जोंग पहले से ही बर्बाद न्यूक्लियर साइट को बंद करने का ऐलान कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन किम जोंग के इस ऐलान से डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रंप अभी भी किम जोंग पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। We are doing things that are good. I think we'll have a meeting over the next 3 or 4 weeks. It's going to be a very important meeting. The denuclearization of the Korean Peninsula, of North Korea. The denuke. But we'll see how it goes. And again, whatever happens, happens. Look, I may go in, may not work out, I leave. I'm not going to be a John Kerry who makes that horrible Iran deal. किम जोंग उन ने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को बंद करने का ऐलान करके डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात के रास्ते को आसान बना दिया है, लेकिन ये रास्ता आगे जाकर क्या मोड़ लेता है ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा।